अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राणा कैसर जे जेड एंगलर क्लब की तरफ से बोल रहा हूँ। आज आपको मैं एक नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो देखें, शिकारी तो हम सब लोग हैं, हर किस्म की मछली का शिकार करते हैं, लेकिन मछली को बनाना, पकाना और सीखना ये भी एक फ़न है। तो मैं आज आप लोगों को बाम मछली की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा, आप देखें। और ये है कि ये कढ़ाई जो है ये बाम मछली की बन सकती है, मली मछली की बन सकती है और संगाड़ी मछली की बन सकती है। हमेशा बाम जब भी आप पकड़ें, हर शिकार पर एक दो बाम लग ही जाते हैं, उसको इकट्ठा कर लें, उसकी खाल उतार कर, जैसे ये है खाल उतरी हुई, ऐसे बनानी है, वरना इसके जो खाल होती है उसमें बारीक चानना भी होता है, तो वो नहीं आना चाहिए। तो अब आप देखें, ये मैंने चीज़ें तैयार की हुई हैं। सब्ज़ मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, टमाटर हैं, ये प्याज, इसको पहले लाइट ब्राउन करेंगे। ये जो है धनिया काट के पहले रख लिया मैंने, ताकि जब तैयार हो जाए उसके ऊपर डालूं। ये दही जो है ये मसाले में डालेंगे, और फिर मछली जब तैयार होती है तो मैं आपको वो उसकी वीडियो दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी चीज़ बनेगी और आप सब लोग इसको लाइक करेंगे। इसमें किसी चीज़ की आपको समझ ना आए, पूछना चाहे तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप पूछ सकते। ये कढ़ाई रखी हुई है घी की, इसमें मछली डालूंगा। पहले बाम को फ्राई करना है, तो फ्राई करने के बाद हम जब मसाला बनाएंगे तो उसमें उसको डाल के तो उसको तैयार करेंगे, ठीक है जी। और इसकी कढ़ाई भी बनती है बाम की, और अल्लाह खैर करे वो पुलाव बनता है, इसका बिरयानी बनती है। तो ये बाम मछली बहुत अच्छी है, इसको ज़ाया मत करें और इसकी ये चीज़ें बनाएं और शौक़ से खाएं भी। तो अब ये मैं इसको फ्राई करने लगा हूँ। फ्राई करने के बाद मैं ये सारा मसाला जात जो हैं इनको ग्राइंड करूँगा ग्राइंडर में डाल के, तो फिर मैं ये हल्की आंच पर पकाना है। इसको तलाई की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन तलना इसलिए है कि ये जो है कढ़ाई मिक्स ना हो जाए, बोटी सालम रहे, तो उसका और मज़ा है। तो देखें अब आप, दोस्तों ये बाम मछली तलाई हो गई हुई है, और ये मसाला जो कटा हुआ दिखाया था वो ग्राइंड कर दिया है। ये दही है, अब मैं कढ़ाई में घी डालूँगा और प्याज को हल्का लाइट ब्राउन करूँगा, और लाइट ब्राउन करने के बाद मैं जो है ये मसाला इसमें डालूँगा, और उसके बाद मछली डाल दूंगा। हाँ जी दोस्तों, ये अब हमारा लाइट ब्राउन होने के करीब है प्याज, ये अब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम मसाला डालेंगे, दही डालेंगे और फिर नमक मिर्च हसबे जायका वो डालेंगे।
जरा पीछे, पानी कहाँ रखा है? अब हम इसमें दही भी डालेंगे। ये दही है हमारे पास, ये भी डाल दिया। अब ये मछली भी इसमें डालने लगा हूँ। ये मछली डाल दी है सारी। अब इसको ज़रा हिलाऊंगा, फिर नमक मिर्च डालूंगा हसबे ज़ायका। ये नमक डाल दिया, ये लाल मिर्च डाल दिए, ये हल्दी डाल दिए। ये इतने मेथरे डालते हैं, ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। अब ये मैं तैयार करता हूँ, तो फिर आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाऊंगा। अब ये तैयार होने, अब जनाब कढ़ाई तकरीबन तैयार हो गई है और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब ये जो धनिया तैयार है इसके ऊपर ये डाल देंगे और आपकी रेसिपी जो है वो खाने के लिए तैयार है। अब ये देख लें और जो चीज़ समझ में ना आया करे वो पूछ लिया करें। तो ये जनाब अब आपकी रेसिपी तैयार है, मज़े ले लेकर खाएं।